हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह लग गई हूँ मैं अपने कामों में, और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो हैप्पी नवरात्रि आप सबको। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग खत्म। हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नवरात्रों का पहला दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपके माता रानी आपकी सारी विश को पूरा करे और आपके घर में सुख शांति दे। तो आज मैंने पहनी है ये पिंक कलर की साड़ी, और सुबह से मैंने व्लॉग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था। मतलब जब मैं सफाई वगैरह कर रही थी तभी रूम, क्योंकि फर्स्ट नवरात्रि में ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी रहती है ये करने की वो करने की, पूजा करते हुए भी नहीं लिया, मतलब दिमाग में ही नहीं रहा, बस ये लग रहा था। और अभी 10:30 बज रहे हैं तो मैं अभी लेके बैठी हूँ। गाइस, गाइज, ये ये है है मेरी मेरी चाय। खाने। चाय हो गई, पापड़ हो गया, पेड़ा हो गया, कुछ ये हो गया, क्या बोलते हैं इसे, मखाने, बोलना भी नहीं आ रहा। और आज मैंने बिछाई है बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की बेडशीट। यहाँ ये दोनों लेटे हुए हैं, यहाँ पर आरव लेटा हुआ है, और यहाँ पर मेरी मंदिर में जोत भी चल रही है। ये देखो, वैसे तो पूजा हम नीचे ही करते हैं, मैंने लेकिन छोटा सा बना रखा है रूम में ही मंदिर। मुझे बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है मुझे। तो आप चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि ठंडी हो जाएगी ना मेरी चाय, फिर मज़ा नहीं आएगा। चाय पी लेते हैं, फिर जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर करेंगे आज का दिन। और नवरात्रों में बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन करता है मैं सुबह सुबह माता के गाने सुनूँ। ये देखो, ये लगा कर बैठ गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। लेकिन अभी इनको पढ़ाने बिठाऊंगी ना, तब लगाऊंगी गाने। इनको तो बस पूरे दिन टीवी फ़ोन यही चाहिए। तो और गाइज, हाँ एक चीज़ और, मैंने बोला तो था आप लोगों से कि मैं 1 तारीख तक अपना वेट लूज़ कर लूँगी, मतलब मैं थोड़ा सा, लेकिन मैं घूमने चली गई इस दौरान। 3-4 दिन मैंने इतना दबा के खाया है ना, तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट अब नवरात्रे चल रहे हैं तो अब हो जाएगा वो नवरात्रों में, तो जैसा भी होगा। वैसे अब तो इतना है, फिर और हो जाएगा। तो गाइस, चाय पी के मैं लेट गई हूँ। आलस हो जाता ना चाय पी के, मतलब आलसी सी हो गई हूँ चाय पी के। तो गाइज़, मैं आगे की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ इससे पहले मतलब हम अपना क्लीनिंग व्लॉग करें। तो कुछ मेरी जो मैं अभी हरिद्वार वगैरह भी गई थी, तो वो व्लॉग है, तो उसको भी प्यार दो, इसी में मैं ऐड कर रही हूँ। फिर आप लोग बताना कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, इसी में कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट ये व्लॉग रहता है। उसके बाद हम अपना वही रूटीन पर आ जाएंगे, डेली क्लीनिंग, मॉपिंग और ये सब चीज़ें, डेली लाइफ स्टाइल वगैरह आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ ना, तो इसीलिए ये बचता है, तो मैं भी ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। देखना मैंने कैसे कैसे मस्ती की है। तो चलो बने रहे व्लॉग। तो गाइस, शाम का टाइम हो गया है और मैंने अभी जस्ट पी है चाय, और वेट लूज का तो पता नहीं, मुंह तो मेरा कैसा हो गया ना, मुंह मेरा अजीब सा हो रहा है। तो शाम का टाइम हो रहा है, 5:15 हो रहे हैं, अभी मैं जस्ट चाय पी है, और फिर अब शाम को फास्ट का खाना वगैरह बनाएंगे। बने रहिए व्लॉग में, जैसा भी होगा मैं अपडेट करती रहूंगी आप लोगों को, तो बने रहिए व्लॉग में। तो चलो नीचे चलते हैं। ये उठा लिए मैंने अपने चाय के बर्तन, ग्लास वगैरह, और बच्चों के दूध के भी ग्लास वगैरह था। तो अब चलते हैं नीचे किचन में और बनाते हैं व्रत का खाना। वैसे अभी 6:45 का टाइम है, लेकिन वही है, 2-3 चीज़ें बनाते हैं तो टाइम तो लगता ही है ना, तो इसीलिए मतलब जल्दी जल्दी की वजह से ढंग का खाना नहीं बन पाता। रिलैक्स होकर आराम से बनाऊँगी, वही 6:30-7 बजे तक खाना बनेगा। अभी आलू बॉईल वगैरह करने रखूँगी, और सब्जी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, पूरी जो व्रत की होती है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, लाइट ऑन करते हैं और आलू वगैरह निकाल के रखे हुए थे मैंने, चाय पीने जो चली गई थी ऊपर। तो चलो बना लेते हैं खाना।
अब बनाएंगे हम व्रत का खाना। ये आटा निकाल दिया मैंने व्रत का। यहाँ पे चटनी पीसूंगी, आलू उबल रहे हैं अभी, तो व्रत का खाना बनाएंगे। ठीक है तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह ऑलमोस्ट मेरा बन गया था। तो मैं करने आई थी पूजा, अंदर कमरे में पूजा करने आई थी मैं। तो मेरे को लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और फिर मैंने पूजा पे ध्यान था मेरा, तो मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी और अब चलते हैं ऊपर अपने रूम में। अभी मुझे जोत जलानी है, मुक्ति भी जोत जलाते हैं, शाम का टाइम हो रहा है। तो गाइस, ये है मेरा व्रत का खाना। चावल है, दो पूड़ी है, चटनी है, थोड़ी सी सब्जी लेकर आई, और ये जो मुझे प्रसाद मिला था ये वो है। तो ये है मेरा व्रत का खाना। तो फ्रेंड्स, अब हम एंजॉय करेंगे अपना खाना, व्रत का खाना। आप लोग भी खा लो व्रत का खाना। और इस तरह रहा आज का मेरा दिन। तो दोबारा से मैं बोलूँगी कि नवरात्रों के पहले दिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, माता रानी सबको खुश रखे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और सबके घर में सुख शांति रखे। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी फैमिली अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल। बाय।